एम्बेसडर स्नूसी थे, वो उनके यूएन में बहुत अरसे वो रहे पीआर के तौर पे, और ज़ाहिर है वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। वो आईसी रिसर्च के हमें पता चला कि इंडियन शायद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या कोई वो भी आ रहा है, वी विल नॉट एक्सेप्ट के इंडियन वहाँ आए एज ऑब्जर्वर या एज यू नो फर्स्ट मीटिंग ऑफ मुस्लिम कंट्रीज। किंग टोल्ड एम्बेसडर स्नूसी कि तुम इनको रिसीव करो एयरपोर्ट से और मेक श्योर के वो हॉल में ना जाएं, मेक श्योर के ही डजंट अटेंड द मीटिंग। और वो पूछे जा रहा है बार बार कब आएगा कब आएगा, प्रभात कहाँ है मीटिंग, और ये उसको अपनी बातों बातों में कहीं से घूम फिरा के होटल ले गए, वहाँ का आप ठहरे रहे हैं ये वो कर के आई थिंक ही अंडरस्टूड, कहते हैं उसको समझ आ गई और वो खामोशी से वापस चला गया। मेरा नाम अतिया महमूद है और मैं फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा रही हूँ 79 से लेके 2014 तक। आखिरी तीन मुल्क जो थे मोरक्को, जॉर्डन और इंडोनेशिया, वहाँ मैं सफीर के तौर पे रही हूँ। उस वक्त तो ये ज़ियाउल हक साहब गए थे एक विज़िट पे एक ओटावा, तो उस वक्त लोगों ने डिमांड किया था कि हमें काउंसलेट चाहिए, क्योंकि उससे पहले वो वहाँ जाया करते थे ओटावा फॉर देयर वीज़ाज, फॉर वो भी 4 घंटे की ड्राइव होती थी यू नो, या ट्रेन में जाएं या प्लेन में जाएं, तो लोगों की डिमांड थी। उस वक्त तो 40,000 लोग थे, इमेजिन करें आप टोरंटो पाकिस्तानी कम्युनिटी 40,000-50,000। तो उन्होंने फिर ये आके वापस कहा कि वहाँ काउंसलेट खोला जाए, तो वो फर्स्ट काउंसलेट वहाँ जब खुला तो उसमें भी मेरी पोस्टिंग हुई थी एज वाइस काउंसल। और जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया लोगों का वो ये था कि बहुत जो वहाँ जाते थे और जो उन्हें एलिनेशन फील होती थी, अपनाइत उनकी मतलब उस अपने मुल्क से दूरी, और फिर वहाँ जाके जो एक काइंड ऑफ आप एक पहला काउंसलेट खुला था तो वहाँ पे जो लोग थे वो बहुत आते थे जाते थे, हेल्प करना चाहते थे। फिर हमारे काउंसिल जनरल थे, उन्होंने इनिशिएट किया एक पाकिस्तान सेंटर का प्रोजेक्ट के वहाँ पे एक पाकिस्तान का एक हॉल जैसे सेंटर बन जाए जहाँ सब लोग आएँ मिलें जुलें फंक्शंस करें ये वो, उसके लिए पैसे इकट्ठे किए वहाँ पे अच्छे। जब ये भुट्टो की नेशनलाइजेशन हुई थी तो ये फैंसीज और वो ये बड़ी फैमिलीज कराची की वहाँ मूव कर गई थी, बिकॉज़ यहाँ से उनकी इंडस्ट्री को धचका लगा था, वो लोग वहाँ पे थे। और द पाकिस्तानीज ऑफ कोर्स तो वो बहुत हेल्प करते थे, वही मेजर हमारी हेल्प होती थी कि पैसे चाहिए या कम्युनिटी सेंटर बनाना है उसके लिए बनाना है किराए पे ले वॉट एवर, तो वो उनकी सपोर्ट से होता था। और तो उसके लिए कभी हम शो भी करते थे, हमने एक नूरजहाँ का शो किया था, नूरजहाँ आई थी वहाँ, उनके लिए एक बड़े अच्छे बहुत सबसे बेस्ट हॉल जो वहाँ पे था उसमें शो अरेंज किया था, वो उस इसीलिए के फंड जमा करें फॉर द कम्युनिटी सेंटर। शी वाज वेरी स्वीट इन हर कॉन्वर्सेशन, मिलने जुलने में बहुत कैजुअल और बहुत उनका कोई ऐसा हैंगअप टाइप नहीं लगता था। और या शी वॉज अ स्टार, स्टार्स की जो वो होती हैं पर्क्स और वो उनकी जो स्टाइल वो तो था नूरजहाँ में बहुत था। मुझे याद है वो बहुत ठंड थी तो काउंसिल जनरल के घर उनका डिनर था, उस पर वो आई तो हम जाहिर है बाहर उन्हें लेने गए, तो शी वॉज आई थिंक वेयरिंग अ स्लीवलेस ब्लाउज एंड अ साड़ी एंड नथिंग एल्स एक्सेप्ट अ शॉल। तो मैंने कहा मैडम आपको ठंड लग रही होगी, कैन आई गेट, नहीं नहीं मेरी ये शातूस इज टेकिंग केयर ऑफ मी यू नो शी हैड ओनली दैट वन शॉल। वो मुझे बड़ा स्ट्राइक किया कि बाहर बर्फ़ पड़ी हुई है और वो आराम से आ रही हैं, सिर्फ एक शॉल है उनके पास विच वाज द बेस्ट ऑफ कोर्स द बेस्ट शॉल। व्हेन शी विजिटेड टर्की तो सबसे जो बहुत बहुत दुनिया भर में जिसकी कि वो मेंशन हुआ प्रेस ने कवर किया वाज दैट देयर वर टू वुमेन प्राइम मिनिस्टर्स, मुस्लिम वुमेन प्राइम मिनिस्टर्स। उस वक्त टर्की में तानसू चिलर थी प्राइम मिनिस्टर और हमारी बेनज़ीर भुट्टो थी, दोनों ख़वातीन थी मुस्लिम थी, तो वो चीज़ पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई, बहुत लोगों ने कवरेज दी। और लोकली भी जब हम उनकी विज़िट हैंडल कर रहे होते थे तो वो लग रहा होता था कि कितना प्रेजेंस है मीडिया का,
जो इस चीज़ को कवर कर रहे थे कि वुमेन प्राइम मिनिस्टर्स क्या कर रही हैं, मुस्लिम टू वुमेन मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर्स, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और उसको नोटिस किया गया था। तो उस ज़माने में ये चीज़ उनकी विज़िट के दौरान ये बहुत बड़ा वो एक वो था जो पब्लिसिटी डील कर रहे थे हमारे प्रेस वाले और वो सब, तो वो एक एक काइंड ऑफ अ वन ऑफ अ टाइप ऑफ ओकेजन था। ऐसे नहीं कि वन ऑन वन आप हेलो हाई कर रहे हैं, लेकिन आप इर्द गिर्द होते हैं, आप सर्विस कर रहे होते हैं डेलीगेशन को, और जो अम्बेसडर होता है उनकी वाइफ वो ज़्यादा क्लोज होते हैं जो भी डिग्निट्री आए उसके, ज़ाहिर है वो बैठते भी हैं उनके साथ बातचीत। हम तो जूनियर ऑफिसर्स थे तो हम तो सिर्फ भाग दौड़ कर रहे होते थे उनके इर्द गिर्द। उन्होंने जब आ रही थी तो ये हुआ था कि भी हेयर ड्रेसर का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है वो ओकेजन्स पे तो उन्होंने हेयर ड्रेसिंग करनी थी। तो हेयर ड्रेसिंग ऑब्वियसली एक औरत के लिए भी आप ठीक से हेयर ड्रेसिंग कराएं, तो फिर डिमांड थी ये कि आप औरत हेयर ड्रेसर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी अपनी सेंसिटिविटीज थी ना बैक होम। तो अब हम वो एम्बेसडर की वाइफ थी तो वो बेचारी ढूंढती फिर रही हैं कि भाई कोई औरत, क्योंकि टर्की में मर्द ही हैं हेयर ड्रेसर्स, औरतों के भी ज़्यादातर मर्द अच्छे वाले मर्द ही हैं। अब वो ढूंढती फिर रही कि कहीं से औरत हेयर ड्रेसर मिले, कोई अच्छी भी हो, मतलब ऐसी कोई असिस्टेंट को ला के प्राइम मिनिस्टर के सामने बिठा दे। तो वो फिर वो होटल में नीचे जहाँ पे कोई सलून था उसमें अरेंज किया उन्होंने कि वो हेयर ड्रेसर, और फिर हमने बताया कि भाई कोई लेडी हेयर ड्रेसर हम नहीं रिकमेंड कर सकते क्योंकि यहाँ है नहीं। आई थिंक कोई मर्द ही था शायद जिसने किया, लेकिन उसने ज़रा मेरे ख्याल में खींच पता चला कि वो शायद उनकी बैक कॉमिंग टाइप चीज़ हो रही थी तो उनके बाल ज़रा खींचे, तो अपसेट हुई इस बात पे कि ये इनको आती नहीं या कुछ ऐसी हमने सुना, क्योंकि हम लोग तो वहाँ नहीं थे बट ये बात वो आपको पता है जो इर्द गिर्द लोग होते हैं फटाफट बताते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर नाराज़ हो गई, वो जल्दी से चली गई, ये हो गया वो। और ये जो पीरियड था जब मैं 1997 से 2000 में थी मैं इस्लामाबाद में, उस वक्त ये बड़ी डिफ़िकल्ट पीरियड था कि वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाला ज़माना जो था। तो ये मुझे याद है कि मैं यूएन में ही थी, यूएन डिवीज़न में ही थी मैं, और नैम की एक मीटिंग हो रही थी कोलंबिया, कांजू साहब होते थे हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे आई थिंक उस वक्त वो, तो हमें वहाँ जाना था मीटिंग में। और यूएन न्यूयॉर्क के थ्रू, कोलंबिया का कोई और रास्ता नहीं था ना कोलंबिया जाने के, न्यूयॉर्क जाके वहाँ से, और न्यूयॉर्क में भी कोई मीटिंग्स वगैरह रखी हुई थी और न्यूक्लियर इंडिया ने कर दिए थे एक्सप्लोजन्स, और हम उस वो बड़ा ज़ाहिर है हमने जो फॉलो किया वो बड़ा टाइट विंडो था जिसमें उनके हुए और हमारे हुए। उस दौरान जो हम पे प्रेशर था वो ट्रिमेंडस प्रेशर, और जब कांजू साहब के साथ हम मैं गई वहाँ पे न्यूयॉर्क भी, वहाँ भी जितनी उनकी मीटिंग्स हुई उसमें यही बात होती थी, वेस्टर्न जो कंट्रीज़ के लोग थे वो यही कह रहे होते थे कि आप नहीं करें, आप देखें आप नहीं करें तो आपका बड़ा स्टैचर हो जाएगा, वो इनडायरेक्टली कि असिस्टेंस वे ये वो शो। और जो हमारे फ्रेंडली मुल्क होते थे तो वो मिनिस्टर भी ज़रा रिस्ट्रेन की कहते थे कि देखें हाँ सोच लें कर लें, फिर जब वो मीटिंग एंड हो जाती थी फॉर्मल तो फिर वो कहते थे कब कर रहे हैं दे न्यू के ये हमारे लिए इन अ वे ज़रूरी है, लेकिन वो ऑफिशियल लाइन लेते थे मीटिंग के दौरान, और बाद में फिर वो ज़रा सा अपना व्यू जैसे पर्सनल के भाई ये। सो वो फिर ऐसा हुआ कि ये सब फिर कोलंबिया में वो मीटिंग हुई, उसमें सारा यही बात, क्योंकि पूरी दुनिया वॉज रियली कंसर्न्ड कि पाकिस्तान क्या करेगा, हमारा न्यूक्लियर होने का कंसर्न बहुत ज़्यादा था, इंडिया ने कर दिया उसका कंसर्न, वो तो कर दिया उन्होंने, वो तो फिर हो गए बस, और वैसे भी दुनिया का बायस है जो हमें एक्सेप्ट करना है और हमें पता है, तो वो हम पे ही सारा प्रेशर आ रहा था। सो कोलंबिया में भी ये सब हो गया। तो अच्छा, उसके बाद वापसी पे आते हुए मैंने कहा कि मुझे दो दिन आई विल स्टॉप ओवर इन कुवैत, मेरी बहन कुवैत में थी, तो मैंने सोचा मैं इतना लंबा ट्रिप तो आई विल जस्ट पास बाय, तो वो एक दो दिन का मैंने स्टे करके, वीकेंड था या कुछ पता नहीं क्या था। सो वहाँ से मैं, अच्छा जिस दिन मैं सुबह उठी हूँ वहाँ कुवैत में, वी हैड ऑल्सो डन द एक्सप्लोजन, और यकीन जाने कुवैत में लगा कि जैसे मैं पाकिस्तान में बैठी हूँ, इतनी सेलिब्रेशंस,
मिठाइयाँ बट रही हैं कुवैत में, लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, खुशियाँ। एक अजीब सी फीलिंग थी, मैंने कहा ये तो हमारा मुल्क मतलब कुवैत में ये सेलिब्रेशन हो रही है, जबकि तो अजीब एक मिक्स है फीलिंग्स का, इमोशंस का। लोगों के लेवल पे कुछ और होता है, गवर्नमेंट के लेवल पे गवर्नमेंट्स एडवाइस कर रही हैं भाई ज़रा हाथ तो ठीक है जी, न्यूक्लियर होना बड़ा मतलब डिज़ास्ट्रस हो सकता है, लेकिन देखिए न्यूक्लियर होने की वजह से हमारी कितनी बचत हुई है। एंड सडनली एक दिन मैं ऑफिस से घर आई थी जस्ट फॉर अ ब्रेक इन द आफ्टरनून लंदन टाइम, और मैं निकलने वाली थी, और मेरा घर और ऑफिस वॉज 2 मिनट्स वॉक, तो वो कभी ऐसा कोई ज़रूरत होती थी तो घर आके करके चले गए। तो वो टीवी ऑन था तो मैंने एकदम टीवी की तरफ देखा, तो मैंने कहा अच्छा कोई फिल्म आ रही है, वही जहाज यूँ जा रहा है बिल्डिंग, मैंने तो समझा कि मूवी है। लेकिन फिर एकदम मुझे लगा कि उसका जो आ रहे थे नीचे टिकर्स, मैंने कहा मूवी है कैसी मूवी, मैंने रुक के देखा तो वो तो ये बता रहे अटैक हो गया और ये हो गया, और मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं फ़ौरन वापस ऑफिस चली गई। बस उस दिन के बाद से जो सिचुएशन बदली है हमारी, हमारी इम्पोर्टेंस उनके लिए बहुत हो गई, अहम हो गए हम। वहाँ पे इमीडिएटली ये हुआ कि प्रेस हमारे मिशन में हर वक्त के ये इंटरव्यू दे दो, ये इंटरव्यू, मतलब कांस्टेंट एक बम्बार्डमेंट हो गई। और वो कोई हाई कमिश्नर देते, मैं देती जो हमारा, और हमारे प्रेस की साइड, तो हम 3 लोग थे जो पब्लिक फेस थे, और इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, BBC पे हैं, TV पे हैं, रेडियोज़ पे हैं, हर मतलब बेतहाशा, क्योंकि एक इतनी अजीब सी सिचुएशन हुई और वो अफ़गानिस्तान के साथ लिंक और ये सब को हम, हमारे पाकिस्तान बिकेम यू नो काइंड ऑफ इन द लाइमलाइट के जी वहाँ अननेसेसरली सो, बिकॉज हमारा तो कोई आदमी उसमें नहीं इन्वॉल्व था, यू नो द पायलट्स वर नॉट पाकिस्तानी, बट सिर्फ इसलिए कि वो रीजन था और बिन लादन के चक्कर और जो भी वो सारी हिस्ट्री आपको पता है, तो वो हमारे पे बहुत ज़्यादा फोकस आ गया। और उस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग था बिकॉज हमें मिनिस्ट्री में उस वक्त तक कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी कि प्रेस से कैसे डील करना, इंटरव्यू देना है तो क्या देखना है, किस तरह बिहेव करना है, क्या ये चीज़ें हमारे इतनी कोई मेन स्ट्रीम में नहीं पढ़ाई जाती थी। अब ये जब सिचुएशन अराइज तो मैं तो बिल्कुल लाइम लाइट हो गया, और ये कि वो हाई कमिश्नर हमारे वो मतलब प्रोफेशनली नहीं थे, हमारे फॉरेन ऑफिस के नहीं थे, वो बिजनेसमैन थे, उनका भी पहला एक्सपोजर था और उनके लिए भी ये बहुत बड़ा चेंज था। तो अब आई लर्नड अ लॉट इन दीज इन द फर्स्ट वीक और सो के हाउ टू हैंडल द प्रेस। तो शुरू में तो होता है ना कि आपने मुझसे जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब दूँ, आई लर्नड देयर के नहीं, यू डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन, यू टेल योर स्टोरी, आप उसको घुमा के अपनी स्टोरी बताएं, बिकॉज आप मैं आपका जवाब देने लगूँ तो मैं तो इधर उधर पता नहीं किधर चली जाऊँ। बट मेरा काम यह है कि जब मुझे मौका मिला है कि एक्सपोजर मिल रहा है टीवी पे, रेडियो पे और रिटर्न उस पे भी चलो, तो मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगी ना, आई हैव टू गिव माय पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस आई थॉट वाज आई लर्न दैट लेसन कि नहीं, आपने जैसे भी है आपने घूम फिर के अपनी बात करनी है, दूसरे का क्वेश्चन ठीक है, आप ये नहीं है कि आप बिल्कुल क्वेश्चन से अनरिलेटेड जवाब दें, नहीं, बट आप उसको ऐसे फॉर्म्यूलेट करें कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू आए। नहीं डिफ़िकल्ट तो डिफ़िकल्ट वो यही हुई थी जब 9/11 हुआ, और वो इमीडिएटली उसके बाद एक वीक बहुत स्ट्रेट लेवल हाई था, हमें भी कहा गया कि आप लोग निकलते हैं तो ज़रा एहतियात करें, और मैं तो एम्बेसी जाती थी अपने घर से तो मैं कमीज शलवार ही पहन के जाती थी, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं निकली हूँ आई थिंक 2nd या 3rd day था आफ्टर द 9/11, तो एक आदमी सामने गुजर रहा था मेरे साथ, तो उसने जब शलवार कमीज देखी उसने कभी अब्यूजिव सी लैंग्वेज यूज़ की कुछ, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा, बट आई इग्नोर्ड एंड जस्ट केप्ट वॉकिंग, क्योंकि इन ऐसे को जवाब देना तो मतलब है वो कहीं वायलेंट हो जाए, कुछ भी कर ले। सो इस तरह की सिचुएशंस हुई 9/11 के बाद,
कुछ मुझे मेरे पर्सनली मेरे साथ ही हुआ, लेकिन बहुत जनरली लोगों के साथ, अमेरिका में बहुतों के साथ हुआ था। वो दाढ़ी देख के, वो एक फेमस था, वो सिख था बेचारा, उसकी दाढ़ी थी, उसको अटैक कर दिया। इस तरह के इंसिडेंट्स हुए थे पर्सनल लेवल पे। ये मुझे हुआ कि जी वो एकदम से गुजरते गुजरते उसने, वो तो आपको तो फील होता है जबकि आपको ऐसा को भी किसी ने कुछ ना कहा और वो एकदम से, वो उनकी इमोशंस थे, उनके सेंटिमेंट्स थे, वो समझते थे कि शायद हमने कराया है। तो वो चीज़ थी। लंदन में तो बहुत विजिट्स होती थी, टॉप लेवल तो फिर 9/11 के बाद बहुत हुई, और उसके अलावा मिनिस्ट्रियल, लो लेवल, वर्किंग लेवल, हर एक चाहता है इंग्लैंड आना। वो हर एक को कोई ना कोई मिल जाता है, कोई वर्क लेवल का, कोई किसी भी उसका कोई काम है, कुछ है। उस ज़माने में जो इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही थी, वो बेनज़ीर के जो वो सरे पैलेस का इन्वेस्टिगेशन हो रही थी नैब के, तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पीरियड था। वो वहाँ पे नैब वाले आए, वो उस घर को देखने गए, उन्होंने फिज़िकली देखा, और फिर आके वहाँ एक केयर टेकर था, उसने कुछ चीज़ें हमें दी कि ये मेरे किसी काम की नहीं है, ये आप लोग ले लें। उसमें बेनज़ीर की पिक्चर थी विद हर चिल्ड्रन, उसका एक गिफ्ट था जो आई थिंक शी हैड गॉन टू इंडिया विद हर फादर बहुत पहले, जैज ए यंग गर्ल। उस वक्त उन्होंने कोई किसने उसे टी सेट दिया था सिल्वर का, वो था। इस तरह की मार्क चीज़ें थी। सो इस तरह की चीज़ें उसने ला के हमें दी कि ये हमारे किसी काम की नहीं है, आपके होंगी। सो ये चीज़ें हमने फिर भेजी पाकिस्तान। मोरक्को इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, बहुत ही खूबसूरत है, लोग बहुत अच्छे, लोगों का लेवल इंटेलेक्चुअली बहुत हाई, वेरी रिफाइंड, जो उनकी हायर सोसाइटी, जो यानी इंटेलेक्चुअल्स हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बहुत। आई रियली एंजॉयड मीटिंग देम, टॉकिंग टू देम, एंड उनके साथ इंटरेक्शन बहुत मेरे, इट्स अ हाई पॉइंट ऑफ माय लाइफ रियली। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बनी थी फातिमा मरनिसी, she is the foremost writer in Morocco for she was a sociologist. बहुत हो गई, मुझे बहुत अफसोस है कि वो, मैं उनसे दोबारा ना मिल सकी। उस पीरियड में तो मैं उनसे मिलती रही थी। इस तरह बहुत से बहुत अच्छे लोग वहाँ मुझे मिले। उसी थे वो, उनके UN में बहुत अरसे वो रहे PR के तौर पे। वो बड़ी मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते थे। वो किंग के साथ वो, ही वॉज एडवाइज़र टू द किंग, अभी करंट नहीं किंग, उनसे उनके वालिद के 60s की बात। वो कहते थे कि पहली OIC समिट हुई थी मोरक्को में, रबात में 69 में, और ज़ाहिर है वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं OIC। रिसर्च के हमें पता चला कि इंडियन शायद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या कोई वो भी आ रहा है। इंडिया की तो शुरू से है कि हमें भी शामिल करो बिकॉज ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन, तो हमें भी पता चला। तो हमारी गवर्नमेंट ने फौरन उन्हें मोरक्कंस को कहा कि ये तो नहीं हो सकता, वी विल नॉट एक्सेप्ट के इंडियन वहाँ आए एज ऑब्जर्वर या एज ए यू नो फर्स्ट मीटिंग ऑफ मुस्लिम कंट्रीज। तो अब इनको एम्बेसडर स्नूसी को, द किंग टोल्ड एम्बेसडर स्नूसी कि तुम इनको रिसीव करो एयरपोर्ट से, और मेक श्योर के वो हॉल में ना जाएं, मेक श्योर के ही डजंट अटेंड द मीटिंग। तो ये एम्बेसडर स्नूसी जो भी कहते हैं, मैं गया काज़ाब्लांका से, फ्लाइट आई, उनको लिया रबात, और काज़ाब्लांका में कोई 1-1.5 घंटे का फासला है ड्राइव। तो अभी भी वहाँ ज़्यादा फ्लाइट्स जो है ना वो काज़ाब्लांका ही आती हैं। तो ये उनको लेकर निकले और चले चले जा रहे। अब कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इनको कैसे टाल मटोल करूं कि भी आप मीटिंग में नहीं जा सकते। अब वो पूछे जा रहा है बार बार, कब आएगा रबात, कहाँ है मीटिंग। और ये उसको अपनी बातों बातों में कहीं से घूम फिरा के होटल ले गए, वहाँ का आप ठहरे रहे हैं, ये वो कर के आई थिंक ही अंडरस्टूड, कहते हैं उसको समझ आ गई और वो खामोशी से वापस चला गया। सो ही सेज कि इस तरह हमने पाकिस्तान की बात रखी, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट थी हमारी कि भाई नहीं, इंडियन नहीं आ सकता। तो फर्स्ट OIC समिट लेवल मीटिंग जो हुई थी उसमें इंडिया को इन्होंने इस तरह से,
तो इनके साथ हमारी बहुत हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है। ये तो खैर बाद की बात है, OIC समिट 69, जब ये इंडिपेंडेंस की वॉर लड़ रहे थे, मोरक्को, टूनीज़िया, अल्जीरिया, तीनों को फ्रेंच कॉलोनीज थी। और तो इनकी जंग, मतलब इनके जो लीडर्स थे वो, क्योंकि फ्रांस का कंट्रोल था तो वो बाहर रहते थे और अपनी आज़ादी के लिए वो अपनी जंग लड़ रहे थे। तो वो जंग लड़ने का मतलब ये कि इंटरनेशनली UN में इधर उधर वो कोशिश के, भी हमारी डीकोलोनाइजेशन का पीरियड था, सब हम भी हो चुके थे, इंडिया यानी इंडिपेंडेंट हो गया था पाकिस्तान या ब्रिटिश कॉलोनी से, अफ्रीका में भी डीकोलोनाइजेशन का मौसम था उस वक्त। ये भी इनके भी जो इंडिपेंडेंस फाइटर थे वो चाहते थे कि हम भी इंडिपेंडेंट हो फ्रॉम द फ्रेंच कॉलोनी, फ्रॉम बीइंग अ फ्रेंच कॉलोनी। या फ्रांस जब UN के सेशन में जहाँ पे सारी चलती थी, एग्रीमेंट होनी है, क्या होना है, किस तरह आज़ादी मिलनी है, तो वहाँ पे इनके जो लीडर्स थे मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीज़िया के, ये अटेंड करते थे, तो फ्रेंच जो डेलीगेट था वो ऑब्जेक्ट करता था कि ये तो कंट्रीज़ नहीं है, ये लोग इंडिपेंड, ये कैसे आके यहाँ बैठे हैं इसमें UN सेशन। तो उस वक्त हमारी गवर्नमेंट ने इन तीनों मुल्कों के जो ये थे फ्रीडम फाइटर्स, इनको पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स दे दिए। और दूसरे दिन जब हुआ तो वो हमारे डेस्क पे बैठ के उसने स्पीच की इनके मोरक्कन डेलीगेट ने, यानी फ्रीडम फाइटर जो उस वक्त थे उन्होंने वहाँ पे। अब वो फ्रेंच हैरान देख रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि दे हेल्ड पाकिस्तानी पासपोर्ट्स। सो वो चीज़ ये भूलते नहीं। एंड द सेम जेंटलमैन ही केम बैक एंड ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरक्को। और हमें एक प्लॉट दिया उन्होंने ज़मीन का उसी रोड पे, जहाँ जो उसके नाम पे वो रोड है, उसी पे हमें एक प्लॉट मिला जो अब जाके हमने बनाया था। एंड आई वॉज द फर्स्ट ऑक्यूपेंट ऑफ दैट हाउस। उस वक्त बना था ये 2004 में, आई थिंक आई शिफ्टेड इन दैट हाउस। तो इस तरह से वो उनकी जो ये हमारे साथ जो उनकी एसोसिएशन है वो इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमने उनको सपोर्ट किया और उनको पासपोर्ट्स, अपने पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स दिए। और जब मैं वहाँ गई तो मैंने महसूस किया कि लोग बहुत पाकिस्तान को इसी तरह इज्जत की नज़र से, दे लुक अप टू अस, एंड वो बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। आप अगर किसी मुल्क में जहाँ आप वेलकम हो, जहाँ आपको एक स्टेटस दिया जा रहा है, आपको लुकअप किया जा रहा है कि भई हाँ आप कुछ, तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है और उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। रिमेंबर जॉर्डन में हम, एक ट्रेडिशन है हमारी कॉल ऑन करने की, जब आप नए जाएं दूसरे एम्बेसडर्स पे फ्रेंडली हर एक पे का कॉल करते हैं, मिलते हैं कि जैसे मैं आई हूँ अब आप, यू नो, टू मेक अ 1-to-1 कनेक्शन। तो मैं कुवैती एम्बेसडर से मैंने कॉल रिक्वेस्ट की, खैर उसने दी, मैं जब गई तो वो आए, वो कोई रॉयल फैमिली के मेंबर थे। तो वो पूछ, अच्छा पहले तो वो ये बहुत होता था ना मेरे साथ कि एज अ वुमन, इवन कैनेडा में दे वुड थिंक कि आई एम ईदर द सेक्रेटरी टू द एम्बेसडर और आई एम, मतलब ऑफिसर वो नहीं, एक कंसेप्शन की बात है ना आप, वो मैं हैरान होती हूँ कनाडा जैसी जगह में भी ये समझा जाना कि आप शायद, यानी यू नॉट एन ऑफिसर, यू नॉट रिप्रेजेंटिंग उस तरह से, बट आप शायद या तो उनकी बीवी हैं एम्बेसडर की या काउंसिल जनरल की, या आप सेक्रेटरी हैं। ये मुझे बहुत वहाँ कनाडा में होता था कि एवरीबडी यूज़, मतलब एक फीलिंग होती थी। अच्छा, फिर ये फीलिंग कई दफ़ा और मिशन्स में भी, जैसे आप रिसेप्शन पर गए, आप इधर गए, तो वो एक ऑटोमेटिसिटी थी कि जैसे वो समझेंगे मर्द हो, मर्द ही होना चाहिए, तो वो आपको ट्रीट करते थे एज ए वाइफ ऑफ द एम्बेसडर। तो आपको कहना पड़ता था नो आई एम द एम्बेसडर, आई एम नॉट हिज वाइफ, आई एम द, ओ आई सी करके फिर वो। तो दैट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग, कई दफ़ा में मुझे गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता कि भाई ही क्या मजाक है, जा कभी जाओ कभी। तो वो देवुड, और पाकिस्तान का सोच के उनके जहनों में पाकिस्तान की इमेज कुछ ऐसी
जो भी है थी, तो वो समझते अच्छा औरत तो शायद बीवी ही होगी, यानी यू नो। और लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग था कि खाली हमारे गल्फ़ या मुस्लिम कंट्रीज, इवन इन लाइक अ प्लेस लाइक कैनेडा दे वुड थिंक, और लंदन इवन समटाइम्स, कि शायद ये बीवी हैं, ये खुद मतलब खुद नहीं है कोई पोजीशन होल्डर, बट ये किसी की बीवी के तौर पे आई है। तो ये जो थे ना कुवैती एम्बेसडर, ये मिले, फिर वो उनके भी माइंड में कुछ ऐसा कन्फ्यूजन था, बट वो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर कुछ मियाँ की बात हुई, मैंने कहा नो आई डिवोर्स्ड हिम लॉन्ग टाइम अगो, तो कहते हैं वल्ला है हाउ कैन यू डिवोर्स नो, मैंने कहा यस आई डिड, वी कैन ऑफ कोर्स वी कैन। अब उस पर बहस शुरू हो गई, वो वो मुझे कह रहा है नहीं ये नहीं हो सकता, हमारे यहाँ तो नहीं, हम तो नहीं करते, हम तो रखते हैं, हम तो एक कर लेंगे फिर दूसरी, लेकिन हम उसे घर वर देंगे। अब मैं उससे क्या बहस करूं कि नहीं भाई हमारे यहाँ शायद होती है 3-4 वाइफ्स भी होती है लोगों की, बट जनरली स्पीकिंग ऐसा नहीं है। तो उसके साथ ये इंटरेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, वो समझ ही नहीं रहा था ये बात कि यू कैन बी इंडिपेंडेंट एंड यू कैन डिवोर्स। मैं आपको बताऊं कि हमारी पे जो थी उस वक्त आई वुड से $700 थी, विच वॉज लेस देन द मिनिमम इनकम इन कैनेडा। और खैर गवर्नमेंट किराया हमारा दे देती थी, जो घर लो या अपार्टमेंट लो लोग वो नहीं इसमें काउंट होता था, बट वो $700 जो थे वो शुरू शुरू में जब मैं गई, जब तो फ़ोन कॉल्स तो चार्ज होती थी ना, अब वाला सिस्टम तो था नहीं, तो पहले महीने दूसरे, मेरी वालदा यहीं थी इस्लामाबाद में, मेरी एक बहन जो थी वो वहाँ थी लंदन में थी, और कोई जो एक आध कज़न थे वो अमेरिका में थे, कुछ फ्रेंड्स थे जो और जगहों पे थे। अब मैं तो अकेली थी, और ज़ाहिर है मेरा दिल चाहता था अम्मी से भी बात करूं, बहन वो मैं फ़ोन कर लेती थी। जब पहली दफ़ा बिल आया तो $350 का बिल आ गया मैंने कहा अल्लाह अब मैं क्या करूँगी, $350 मैं कैसे महीना ख़त्म करूँगी, यू नो। और वो बड़ी मुश्किल से एक महीना आई हैड टू आस्क माय ऑफिस टू मुझे थोड़े से पैसे दे दें अगली पे में से, ताकि मैं ये, देन आई रियलाइज्ड के नो आई कांट डू दैट, आई जस्ट मैं उठा के फ़ोन घर कर लूँ और वो कर लूँ, तो अपने आप को बैलेंस करना पड़ता था। $350 तो चले गए बिल में, बाकी $350 उसकी डे केयर, आई हैड टू फाइंड अ डे केयर फॉर हर, और जो टॉट इतने यंग बच्चों का डे केयर बहुत एक्सपेंसिव होता था, तो वो पता नहीं कितने डॉलर पर वीक होता था उस उनके चार्जेस। तो वो मैं तो बिल्कुल पहले दूसरे महीने मैं परेशान हो गई कि हाउ विल आई सर्वाइव, तो डे केयर को दे दो और वो दे दो बिल दे दो फ़ोन के खाने पीने का तो मैं अकेली थी सो वो तो उतना खर्चा, लेकिन ये होते थे। और बस सबवे पे जाना ऑफिस, बस लेके एक पॉइंट तक, फिर सबवे लेके ऑफिस तक। सो इट इज़न्ट ऑलवेज हंकी डोरी के वहाँ, आप लोग समझते हैं कि शायद बहुत अयाशी कर रहे हैं डिप्लोमेट्स हमारे और ये वो, ऐसा नहीं होता। यानी शुरू शुरू में तो आपके बड़े रिसोर्सेस कम होते हैं, तनख्वाहें भी इतनी नहीं होती, और उसमें मैनेज करना सारा इट्स नॉट रियली इजी इनिशियली। बाद में जाके आप एज़ यू ग्रो इन द सर्विस थोड़ी फैसिलिटीज़ एज एम्बेसडर ज़रा सा फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, बट टिल दैट टाइम यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ। गाड़ी भी आपने ख़ुद ख़रीदनी है, गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं होती, ज़ाहिर हेल्प भी रखनी है अगर घर में अगर, तो वो भी आपने खुद करनी है, तो ये नहीं होता था कि आपको कोई उसके लिए सपोर्ट मिलती थी। तो ये सब चीज़ें डिफ़िकल्टीज थी उस वक्त की। तो बहरहाल वक्त गुजर जाता है, वाई का मेरे पास जवाब नहीं है, बिकॉज़ आई डिड इट वेरी कैजुअली नॉट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेज एट दैट टाइम। मेरी दोस्त हैं जो वो भी एम्बेसडर रह चुकी हैं, एम्बेसडर फौजिया सना, उन्होंने मुझे कहा आफ्टर द मास्टर्स एग्ज़ाम कि भाई मैं एक एग्ज़ाम ले रही हूँ, एक दे रही हूँ और तुम भी दे दो। मैंने कहा किस चीज़ का एग्ज़ाम है, क्या करना है, क्या नहीं? उसने कहा बस वो एग्ज़ाम होता है और फिर जॉब्स मिल जाती हैं उस टाइम। मैंने कहा अच्छा चलो जॉब मिलेगी ठीक है, ये नहीं अंदाज़ा था कि ये गवर्नमेंट की जॉब होती है क्या होती, कुछ नहीं। So I was quite ignorant, I would say about this. लेकिन बहरहाल वो दे दिया एग्ज़ाम खेल खेल में, और वो होने वाली बात होती है जो वही हुई कि वो स्टेप्स होते चले गए और फाइनली वी लैंडेड अप इन द फॉरेन सर्विस। मेरी जो चॉइस थी, जो चॉइस मांगते थे उस वक्त,
सर्विस की, तो मेरी फर्स्ट चॉइस फॉरेन सर्विस थी, सेकंड चॉइस फॉरेन सर्विस थी, थर्ड चॉइस मेरी रेलवेज थी, बिकॉज आई वाज क्वाइट फैसिनेटेड विद द जर्नीज, द रेलवेज का बचपन से हम लाहौर से मुल्तान से लाहौर से कराची जाया करते थे अपनी फैमिली के पास, और तो वो जर्नीज थी। फिर मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसके वालिद रेलवेज में होते थे, उसकी मैं देखती थी कि वो कूपे होता था उन लोगों का, वो जा रहे हैं, और तो वो मुझे बड़ा फैसिनेट करता था। तो मेरी थर्ड चॉइस जो थी वो रेलवेज थी। आई एम ग्रेटफुल दैट आई गॉट फॉरेन सर्विस, क्योंकि हो सकता है कि अगर कोई और सर्विस मिलती तो शायद मैं छोड़ देती, शायद आई कांट से दैट, बट इन रिट्रोस्पेक्ट आई थिंक फॉरेन सर्विस जो मिली मुझे वो दैट वॉज द बेस्ट सर्विस एज फार एज आई वॉज कंसर्न इन टर्म्स ऑफ सस्टेनिंग मी थ्रू लाइफ। I had a daughter and I was a single mother, and bringing her up in a good environment, in good countries, in good education, giving her good education, वो चीज़ें मुझे इस फॉरेन सर्विस की वजह से मिली जो मैं उसको कर सकी। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर टू गॉड फॉर दैट चॉइस दैट ही गेव बिस्टाउड ऑन मी एक्चुअली। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.